हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू विद आवर ग्रामर टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच इन आवर फर्स्ट वीडियो वी हैड लर्न अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वेयर यू हैव लर्न दैट डायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स सम वंस वर्डिंग्स वाइल इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट सम वंस मीनिंग ओके जो जो डायरेक्ट स्पीच है वो स्पीकर की एग्जैक्ट वर्डिंग्स होती हैं जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में सेकेंड पर्सन उसको अपनी लैंग्वेज नॉट लैंग्वेज अपनी वर्डिंग्स में उसको चेंज कर देता है अकॉर्डिंग टू वट ही अंडरस्टूड देन वी डिड द टू पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच तो डायरेक्ट स्पीच का वो पार्ट जिसमें बताता है हो जिसमें लिखा गया है हो सेड या हो सेड टू तो होम किसने कहा किससे कहा दैट इज़ आवर रिपोर्टिंग वर्ब और जिसमें बताया जाता है वॉट इज़ सेड यानी जब एक्चुअल बात जो लिखी जाती है दैट इज़ कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच अब यहाँ तक देखो हमारा हमने किया था कल उसके बाद वी हैड डन द सेम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड आई गेव यू दिस वर्कशीट टू डू एंड आई शो दैट यू ऑल हैव ट्राइड इट एट होम ना टूडे वील बिगिन विद द रूल्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच टूडे लर्न स्टेप बाई स्टेप दैट हाउ टू चेंज दि सेंटेंसेज फ्राम डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट स्पीच स्टूडेंट्स देर आर सो मैनी रूल्स सो वील डू ओनली टू और थ्री रूल्स इन दिस वीडियो एंड देन वील कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द रूल्स इन द नेक्स्ट वीडियो ओकेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट रूल दैट इज चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब अब हमने डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स किए थे रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच तो उसमें अब जब आप डायरेक्ट टू इन डायरेक्ट स्पीच चेंज करोगे तो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज द चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया था अभी अभी भी हमने किया है हु सेड टू हू ओके तो फर्स्ट और जिसमें आई टोल्ड यू येस्टे दैट हु क्या है हमारा इसमें हु हमारा होता है सब्जेक्ट यानी जो बोलने वाला है द स्पीकर इज आवर सब्जेक्ट टू होम यानी किससे कहा इज़ आवर ऑब्जेक्ट अगर आपको एक्टिव पैसिव वाला हमारा टॉपिक याद होगा उसमें हमने ऑब्जेक्ट का टॉ टौ, का टॉपिक बहुत क्लियरली किया था सो होम इज़ आवर ऑब्जेक्ट सेंटेंस के सिर्फ इस हिस्से की मैं बात कर रही हूँ हो सेट टू होम की अभी मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात नहीं कर रही तो हु इज आवर सब्जेक्ट जो होम का आंसर होगा दैट विल बी आवर ऑब्जेक्ट और ये जो बीच में हमारी वर्ब दी गई है दिस इज एक्चुअली आवर रिपोर्टिंग वर्ब और इसी को हमने चेंज करना है तो इसको चेंज करने के क्या रूल्स हैं वो हम देखते हैं तो लेट्स बिगिन टू आर रिटर्न इन फ्रंट ऑफ यू द फर्स्ट वन इज शी सेज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स शी सेज दैट शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स तो आप देखेंगे बेटा ध्यान से यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं दैट इज रिटर्न आई का शी हो गया एम इज चेंज टू इज क्योंकि आई के साथ एम लगता है बट शी के साथ इज लगता है एंड माई इज चेंज इन टू हर लेकिन जब आप सेकेंड में सेंटेंस में आएंगे तो सेकेंड एग्जाम्पल इज शी सेट टू मी यू आर वेरी काइंड शी अब आंसर में जो चेंजेस हुए हैं शी टोल्ड मी दैट आई वॉज वेरी काइंड टोल्ड दैट प्रोनाउन चेंज हो गया हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई तो बाकी सारे चेंजेस तो ऑलमोस्ट सेम है अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब की यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब थी हमारी सेज एंड इट इज सेम हेयर इन द आंसर ऑल्सो लेकिन जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है सेड टू जबकि जब हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो सेट टू का क्या बन गया टोल्ड तो ये हमने चेंजेस कब करने हैं कब हमने रिपोर्टिंग वर्ब को एज इट इज छोड़ना है या कब हमने उसको टेल या टोल्ड में चेंज करना है वी लर्न अबाउट इट सो फॉर दैट यू हैव टू टेक केयर दैट वेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्ट स्पीच देन रिपोर्टिंग वर्ब विल रिमेन द सेम देखो मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा जो स्पीकर है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट एंड जो हमारा लिसनर होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट लेकिन जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में से ऑब्जेक्ट मिसिंग है ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं यानी बात किससे हो रही है वो गिवन नहीं है देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब आपका जो लिखा होगा वही आपने लिखना है से है तो आप से रहने देंगे सेज है तो सेज रहने देंगे विल से विल रिमेन सेम सेड विल रिमेन सेम सो विल बी नो चेंज लेकिन इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन इन द डायरेक्ट स्पीच अगर डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया है देन रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज एज फॉलोइंग तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होंगे अब हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे जाते हैं दोबारा से देखो सेकंड एग्जांपल था बेटा हमारा शी सेट टू मी शी हमारा सब्जेक्ट हो गया मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और हमारे आंसर में देखो सेट टू का हो गया टोल्ड तो यही चेंजेस आएगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज होगी लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगी अब हमने उसको चेंज कैसे करना है आपने टेंस का ध्यान रखना है जो टेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में होगा वही टेंस रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब को जब आप चेंज करोगे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिपोर्टेड स्पीच आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द रिपोर्टिंग वर्ब पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस यानी हु सेट टू हुम वाला पार्ट जो है आपका जैसे देखो से टू है से प्रेजेंट टेंस है तो से विल चेंज इन टू टेल टेंस ही रहेगा सेज टू से के पीछे एस लग गया तो टेल के साथ भी क्या हमने ऐड कर दिया एस सेज टू विल चेंज इन टू टेल्स टू भी हमारा कट हो जाएगा थर्ड इज विल से टू से के साथ विल लग गया तो टेल के साथ भी क्या लग जाएगा विल एंड द लास्ट वन इज सेट टू अब सेट जो है से का पास टेंस है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करेंगे इफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन तो टेल की भी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी दैट इज टोल्ड ये बहुत कॉमन है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे रिपोर्टिंग वर्ब हैं जो चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस जैसे अगर आपने क्वेश्चन पूछा है तो सेड का आस्क्ड हो सकता है लेकिन वहीं पे अगर से टू है तो आस्क हो जाएगा सेज टू है तो सेम रूल आस्क के पीछे एस लग जाएगा विल से है तो विल आस्क हो जाएगा इसी तरीके से अगर किसी चीज़ का जवाब दिया गया है तो रिप्लाई वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं किसी को कमांड दी गई है तो ऑर्डर या कमांड वर्ड यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्टेड सजेस्टेड अपोलोजाइज अपोलोजाइज होता है बेटा माफ़ी मांगना रिग्रेट होता है पछतावा करना तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस या किस तरीके की कन्वर्सेशन चल रही है उसके बेसिस पर यू कैन यूज़ सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ओके आई होप द फर्स्ट रूल इज़ क्लियर टू यू ऑल नाउ इज़ द सेकेंड रूल अब हमने जब डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स किए थे तो आपने देखा होगा हमने सबसे पहले लिखा था हो सेट टू हूम उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉमा आएगा एंड देन जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है यानी जो बात एक्चुअली बोली गई है वो हम किस में लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में तो हमारा सेकेंड रोल अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हमने सबसे पहले इसको चेंज कैसे करना है वो सीखा अब हम लोग देखेंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने क्या चेंजेस करने हैं तो इन्वर्टेड कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं जो बिल्कुल कॉमन है दैट इज़ इट विल चेंज इन टू दैट ओके किस में चेंज हो जाएगा टी एच ए टी दैट में जिसमें आपका ये वाला कॉमा और ये दोनों इन्वर्टेड कॉमास आपके कट हो जाएंगे और इनकी जगह हम जो बीच में एक लिंकर यूज़ करेंगे दैट इज़ टी एच ए टी दैट ओके ना लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई सेट आई एम नॉट स्टडिंग दिस इज योर डायरेक्ट स्पीच अब देखो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट तो गिवन है दैट हो इज स्पीकिंग लेकिन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन तो हम लोग सेड को सेड ही रहने देंगे वी विल नॉट डू एनी चेंज आई सेड दैट आई एम का हो जाएगा वाज नॉट स्टडिंग तो हमने अब क्या किया सेकेंड सेंटेंस में क्या चेंज है हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स हट चुके हैं और उसकी जगह हमने यूज़ किया है दैट तो दिस इज़ द कॉमन लिंकर दैट वी यूज़ लेकिन इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेंटेंस हम लोग अलग अलग लिंकर या कंजंक्शन यूज़ करते हैं जैसे आपको आगे हम लोग वो करेंगे अगर इंटारोगेटिव होता है तो हम इफ़ यूज़ करते हैं इंपेरेटिव होता है तो हम टू यूज़ करते हैं ओके okay, बेटा लेकिन जो सबसे कॉमन है फॉर द बिगनर्स इट इज़ That now is our next rule. Next rule hai hamara if the reporting verb is in the direct speech statement is in present tense or future tense. Reporting verb की बात हो रही है बेटा, अभी तक हम लोग reported speech पर move नहीं हुए हैं, हम लोग अभी भी who said to होम वाले पार्ट की ही बात कर रहे हैं तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आप आपका जो ये वर्ब यूज हुई है इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस ठीक है पास्ट टेंस नहीं इफ़ इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस तो क्या होगा इट रिमेन्स सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच अब इसमें हमने क्या करना है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस देन इट्स रिमेंस सेम इन द इनडायरेक्ट स्पीच वो सेम रहेगी लेकिन अब यहां पर देखो लास्ट लाइन में लिखा है बेटा नो चेंज इन टेंस अब ये किस चीज का टेंस है सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन है नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पर मूव हो गए हैं रिपोर्टेड स्पीच पर ओके okay, तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब यूज हुई है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है ओके एफ इट इज इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस देखो फर्स्ट सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है और सेकेंड में फ्यूचर टेंस विल लग गया ना तो फ्यूचर टेंस में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब तो जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा देयर विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स दैट इफ़ आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज़ एन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन दे विल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच तो आपका रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं माई फ्रेंड सेज ही इज़ वेरी हैंसम माई फ्रेंड माई फ्रेंड्स से दैट ही इज़ वेरी हैंसम यहाँ पर जो आपका ही है एच स्मॉल हो जाएगा ओके okay? क्योंकि इन्वर्टेड कोर्ट्स हमारे हट चुके हैं तो आप देखो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था ये भी सेम ही चल रहा है देर इज़ नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑल्सो वाई बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस सेकेंड एग्जाम्पल माई ग्रैनी विल से मेरी ग्रैनी कहेंगी ठीक है तो दिस इज इन फ्यूचर टेंस यू नीड टू ईट वेल माई ग्रैनी विल से दैट यू नीड टू ईट वेल यहाँ पर भी हमारे देखेंगे आप टेंस में नीड का नीडेड नहीं हुआ यहाँ पर इज का वाज नहीं हुआ सो देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बिकॉज आवर रिपोर्टिंग वर्ब इन द फर्स्ट सेंटेंस इज़ इन प्रेजेंट टेंस एंड इन द सेकेंड सेंटेंस इज इन फ्यूचर टेंस ओके तो स्टूडेंट्स आई होप दैट द कंसेप्ट टिल हेयर इज़ क्लियर टू यू ऑल नाउ इज़ योर प्रैक्टिस टाइम लेट मी चेंज द क्वेश्चन है ये तो आपका प्रीवियस जो हमने कल किया था टॉपिक उसका हमारा क्वेश्चन था अभी आज हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगी है ना और कब हमने रिपोर्ट स्पीच यानी ये वाला हिस्सा हमने चेंज करना है और जो कॉमन है इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने दैट में चेंज करना है तो हमने आज ये तीन चीज़ें सीखी हैं तो अब इस वर्कशीट में आपने यही करना है आप बताएंगे इनमें से कौन से रिपोर्टिंग वर्ब में आपका जो से सेड या जो भी हमने यूज़ किया है वो चेंज होगा इन तो टेल टोल्ड होगा कि नहीं होगा ठीक है कौन कौन से सेंटेंस में होगा दूसरी चीज़ आप इसमें करेंगे कि रिपोर्टिंग सॉरी रिपोर्टेड स्पीच कौन सी रिपोर्टेड स्पीच में टेंस आप चेंज करेंगे फर्स्ट काम जो आपने इसमें करना है लेसन केयरफुली कि कौन से रिपोर्टिंग वर्ब आप चेंज करेंगे और सेकंड में आप मुझे बताएंगे कि कौन से रिपोर्टेड स्पीच का आप टेंस चेंज करेंगे दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू आंसर दैट मी इन द कमेंट बॉक्स ओके नाउ हेयर आवर टूडेज टॉपिक इज़ फिनिश आई होप ये तीनों रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं वी विल कंटिन्यू विद द रूल्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच जो हमारे बाकी रह गए हैं इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड हैव अ गुड डे